This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. राज्य स्तरीय कला उत्सव तथा जिला स्तरीय बाल विज्ञान मेले में विजेता बनकर लौटने पर ऊना के त्यूड़ी स्कूल में छात्रों का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य अमर सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन जिला कुल्लू में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्यूड़ी के सतीश, जिया जस्सल, तन्वी तथा नितिन यानी चार बच्चों ने ऊना जिला का प्रतिनिधित्व किया था। पारंपरिक खिलौना बनाने की प्रतियोगिता में सतीश कुमार ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब सतीश इसी प्रतियोगिता में हिमाचल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने भुवनेश्वर जाएगा। सभी को सादर नमस्कार। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुल्लू में संपन्न हुए राज्य स्तरीय कला उत्सव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्यूड़ी के चार विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें दसवीं कक्षा के सतीश कुमार ने पारंपरिक खिलौने बनाने की प्रतियोगिता में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब सतीश भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके साथ साथ दसवीं कक्षा की जिया जस्सल ने 3D पेंटिंग में प्रदेश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा नवमी कक्षा की तन्वी व ग्यारहवीं कक्षा के नितिन ने क्रमशः सोलो ड्रामा व 3D पेंटिंग में जिला ऊना का प्रतिनिधित्व किया। मैं अपनी ओर से सभी विजेताओं, प्रतिभागियों, सभी अभिभावकों, सभी स्टाफ सदस्यों को इस अवसर पर अपनी ओर से बधाई देता हूं। हमारे विद्यालय के कला अध्यापक श्री कमल किशोर जी, जिनका इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने में विशेष योगदान रहा है, मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं व धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सतीश कुमार को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अनेक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कला उत्सव 2022 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्यूड़ी का छात्र इंडिजीनियस टॉयज एंड गेम्स में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने भुवनेश्वर उड़ीसा जा रहा है। यो न सिर्फ मेरे लिए अपितु पूरे क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। कला अध्यापक होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं बच्चों तक अपने हर हुनर को पहुंचाऊं और अगर मेरे छात्र किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो मेरा मन खुशी से झूम उठता है। मेरे स्कूल के चार छात्र राज्य स्तर तक पहुंचे थे, उनमें से सतीश कुमार प्रथम, जिया जस्सल द्वितीय रही। यह अपने आप में बच्चों द्वारा दिया गया मेरे लिए सर्वोत्तम उपहार है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए सतीश को ढेरों आशीष। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरों के जवाहरातों पर 5% अधिक देनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए,
और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।